हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम डूइंग सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स ऑफ वर्कशीट टू चैप्टर ट्वेल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ये इसका रफ स्केच है इसमें दो डायगनल्स दे रखे हैं ए और बी डी ए सिक्स सेंटीमीटर है और बी जो है वो कितना है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तीन साइडें हैं ए बी फोर पॉइंट और सी डी ये है इस क्वेश्चन का रफ स्केच जैसा कि आपने पहले भी क्वेश्चन वन टू फोर में रफ स्केच बनाया था सेम बे इट इज ड्रॉन अब करते हैं फाइनल कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आप ए सी ड्रॉ करो कितना सिक्स सेंटीमीटर सो कीप द स्केल स्टेबल सिक्स सेंटीमीटर अब इसको आपने ए सी लिख देना है एसी नाउ ए बी इज फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओपन करो 4.5 सेंटीमीटर ऐसे कंपस आपने 4.5 ओपन कर ली ए पर कंपस टिप रखो और ऊपर की तरफ 4.5 सेंटीमीटर कट कर दो अब बी सी फोर है अब आप 4 सेंटीमीटर कंपस ओपन करो और सी पॉइंट पर रख करके ऐसे कट कर दो दोनों आर्क्स जो जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं उसको बी नाम दे दो नाउ यू नीड टू ज्वाइन दिस ए बी एंड देन बी सी अब आप इनको लेबल भी कर दो साथ फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये था फोर सेंटीमीटर ये है और ए सी कितना था सिक्स सेंटीमीटर अब सी डी दे रखा है फोर पॉइंट फाइव एक बार फिर से फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कंपस ओपन करो पेज को उल्टा कर दो पॉइंट के ऊपर कंपस AC के नीचे 4.5 सेंटीमीटर की आर्क अब बी डी कितना है 6.5 है तो आप 6.5 सेंटीमीटर कंपस ओपन करोगे स्केल पर रख करके ऐसे पेज को फिर से उल्टा किया पॉइंट बी पर कंपस की टिप और नीचे की तरफ ऐसे कट कर दो आर्क जहां पर दोनों आर्क कट की हैं दैट इज पॉइंट डी अब आप ज्वाइन करोगे सी डी को दिस इज सी डी और फिर ज्वाइन करोगे बी डी को और ए डी विल कम ऑटोमेटिकली दैट ऑल्सो यू विल ज्वाइन एंड दिस क्वाड्रिलेटरल इज कंस्ट्रक्टेड बी डी कितना था सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आई हैव लेबल्ड और ये कितना था फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसमें भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछी गई है तो आपने सिर्फ इसका रिजल्ट लिख देना है रिजल्ट ए बी सी डी ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल राइट और जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर सिक्स भी होगा लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आई होप दिस कंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें भी दोनों डाइगनल का सेम मेजरमेंट दे रखी है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मैं रफ स्केच बना रहा हूं दिस इज डाइगनल वन ए सी इसका नाम है दैट इज सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ए बी फाइव सेंटीमीटर है बी सी फोर है तो ये मैंने ऊपर की तरफ फाइव सेंटीमीटर ए बी और बी कितना है फोर सेंटीमीटर तो आप इसको भी ज्वाइन कर दो ऐसे फोर सेंटीमीटर सी डी फाइव है नीचे की तरफ आएगा सी डी फाइव सेंटीमीटर और डायगनल बी डी दे रखा आपको अगेन सिक्स पॉइंट फाइव तो यहां पर सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और लास्ट में ए डी अपने आप आ जाएगा दिस इज द रफ स्केच अब करेंगे इसको ड्रॉ तो ड्राइंग के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे 6.5 सेंटीमीटर डायगनल. तो ये आपने रखा स्केल और दिस इज 6.5 सेंटीमीटर एंड लेबल इट एज ए सी ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर ओपन अप द कंपस 5 सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर ओपन किया ए पर कंपस की टिप रखी ऊपर की तरफ आपने एक आर्क ड्रॉ कर दी फाइव सेंटीमीटर की अब आप फोर सेंटीमीटर ओपन करिए फोर सेंटीमीटर सी पॉइंट के ऊपर कंपस टिप दिस इज एक्स्ट्रा आर्क कैन बी इरेज इफ नॉट टू इरेज इट इज योर चॉइस दिस इज बी पॉइंट अब आप ए बी को ज्वाइन करो और बी सी को भी ज्वाइन कर दो दिस इज तो ए बी कितना सेंटीमीटर है फाइव सेंटीमीटर और ये कितना है फोर सेंटीमीटर अब बिलो ए सी सी डी साइड आपने फाइव लेनी है फिर से आप फाइव सेंटीमीटर कंपस ओपन करेंगे फाइव सेंटीमीटर और पेज को उल्टा करोगे सी पॉइंट के ऊपर कंपस टिप और नीचे की तरफ फाइव सेंटीमीटर की आर्क अब बी डी सिक्स पॉइंट फाइव है आप सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कंपस ओपन करें पेज को उल्टा किया बी पॉइंट के ऊपर कंपस टिप और इस आर्क को ऐसे कट कर दिया राइट right? तो दिस पॉइंट इज डी पॉइंट तो सबसे पहले आप सी डी को ज्वाइन करें सी डी जितना सेंटीमीटर था वो लेबल कर दें फाइव सेंटीमीटर फिर बी डी को ज्वाइन कर दो एंड बी डी इज हाउ मच सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ही ए सी था लेबल कर दिया एंड लास्ट यू नीड टू ज्वाइन ए डी at this way the construction is over this is now result result is abcd is the required quadrilateral i hope you have understood all the six questions of worksheet 2 also so i once again advise you that do all the questions stepwise by stopping the video in between, step by step, as per the requirement. Thank you. Like the video, share, and get it subscribed by as many as you can so that all the students can be benefited. Thank you.